आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक ही मुद्दा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से सुरनकोट के अंदर, लसाना के अंदर कल सबका एमएलए चौधरी अक्रम साहब के घर गन फायर किया गया, उसके बाद आज सुबह जम्मू नलवार के अंदर दो ब्लास्ट हुए जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। इस समय जो हालात बने हुए हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह चाहता है कि यहां से डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, यहां के हालात खराब किए जाए, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो ब्लास्ट हुए हैं, जो अक्रम साहब के घर पे जो गन शूट हुआ, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं। जहां अक्रम साहब के घर इतनी बड़ी सुरक्षा की चौकी लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, अगर वहां पर ये हो रहा है तो एक आम आदमी के घर की सुरक्षा कैसे होगी, ये भी एक समय से बाहर होगा। हरजोरी के बाद सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट की गई है, जगह जगह चौकियां लगाई हैं, जगह जगह वीडीसी को स्थानांतरित किया गया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा लूप होल है यहां पर जिसके माध्यम से ये लोग यहां पर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर और थोड़ी सख्ती की जाए और चेकिंग को तेज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ के यहाँ हालात जो खराब रहे, क्योंकि पिछले काफी समय से यहाँ पर पूरा अमन है पुंछ के अंदर, यहाँ पर लोग अमन और चैन के साथ रह रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि ये लोग डेवलपमेंट की ओर जाएं, इसलिए हम सरकार के माध्यम से इस कहना चाहते हैं इसकी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को और टाइट किया जाना चाहिए। और अंत में मैं एक और बात कहूंगा कि पुंछ शहर के अंदर 10-12 बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। ये टावर आज से 10-12 साल पहले लगे थे, जब इमरजेंसी पीक पर थी, जहां पर कैमरे लगेंगे, बड़े बड़े कैमरे लगेंगे, जहां पर पूरी नजर रखी जाएगी। यही एक मौका है इनके ऊपर कैमरे लगाकर पूरे शहर की जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद हो जाएगी। पुलिस स्टेशन से भी बैठकर पूरे शहर के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। एक तो जो ड्रग माफिया है उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, और दूसरा जो चोर है, जो चोरियां करते हैं दिन दहाड़े लोगों के घरों में पहुंचाते हैं, उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसलिए मैं जो ब्लास्ट हुआ उसी कड़े शब्दों में